तमाम पीटीआई के लोगों को, आप सच पे हैं, हक पे हैं, तकड़े हो जाएं बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परवेज इलाही का गिरफ्तारी के बाद बड़ा दबंग बयान सामने आया, जरा सुनिए। अल्लाह के फजल और करम से मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाजर करके, और मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है। और जहाँ तक वाज पाकिस्तान है, मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ, लेकिन ये उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को वो देखें कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क और कौम को। और मैं ये समझता हूँ और मेरा मैसेज है तमाम पीटीआई के लोगों को कि अल्लाह के फजल व करम से आप सच पे हैं, हक पे हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, तो आप स्ट्रांग रहें, आपने बिल्कुल पीछे नहीं हटना, तकड़े हो जाएं बस इंशाल्लाह। अब बाकी नतीजा अल्लाह के हाथ में है, उसके नबी के हाथ में है। नाज़रीन, जिन लोगों पर यकीन था कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, वो जरा सा भी प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके और लोटे बन गए और पार्टी छोड़ दी। जबकि परवेज इलाही के बारे में सबकी ये राय थी कि ये मुश्किल वक्त में सबसे पहले साथ छोड़ देंगे, लेकिन परवेज इलाही गिरफ्तारी के बाद भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि वो हक और सच के साथ है। हक को बयां करने से मोमिन रुक नहीं सकता, उतर सकता है सर खुद दार का, मगर झुक नहीं सकता। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।